जब देश आजाद हुआ तब गांधी जी कोलकाता में हिंदू मुस्लिम दंगे रोकने के लिए आमरण अनशन पर बैठे थे। एक रोज गांधी जी ने दोनों पक्षों के नेताओं को बुलाकर एक मीटिंग रखी। इस मीटिंग में बंगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हुसैन सोहरावर्दी भी शामिल हुए। बापू ने दोनों पक्षों से दंगा खत्म करने की अपील की। जैसा कि रिवाज था कि मीटिंग के बाद राष्ट्रगान बजाया गया। सोहरावर्दी समेत सभी हिंदू मुस्लिम खड़े हुए थे, लेकिन गांधी फिर भी बैठे रहे। उस दौरान तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि गांधी जी से कुछ पूछे, लेकिन जब राष्ट्रगान खत्म हुआ तो लोगों ने पूछा कि बापू आप खड़े नहीं हुए। तब गांधी जी ने जवाब दिया कि खड़े होकर किसी को सम्मान देना ये यूरोप का रिवाज है, हमारे यहाँ तो पूजा भी बैठ कर की जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह राष्ट्रगान का अपमान था या फिर गांधी सही थे? हमें जरूर बताएं।